भावनगर उपनिर्वाचन पर जिला प्रशासन पक्ष प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर आसंका निर्वाचन जिलापा कार्यालय परिसर पोलिंग पार्टी सह 254 टी बूथ को ईवीएम मशीन को कड़ाकड़ी भाव में सुरक्षा मध्य पठा जा 107 टी संवेदनशील बूथ चिन्हट कर विशेषकर 254 टी बूथ मध्य 106 टी बूथ उत्तेजना प्रवण थी नजर रखि कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर निर्वाचन में धामनगर ब्लक में 44 टी पंचायत तिहिड़ी ब्लक 13 टी पंचायत धामनगर एनएससी 13 वार्ड निर्वाचन मैदान में प्रार्थी वोटर माने भाग्य निर्धारण करेंगे कड़ा सुरक्षा बल में विभिन्न बूथ में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जिला प्रशासन पक्ष समस्त प्रकार प्रस्तुति करा 26 जन माइक्रो ऑब्जर्वर 2 प्लाटून पोल सीआरपीएफ 2 प्लाटून वीएसएफ 17 प्लाटून पुलिस फोर्स निर्वाचन मुतयन होते नवेम्बर 3 तारीख में वोट हो 6 तारीख में फलाफल प्रकाश पाव का सका 7 संध्या 6 पर्यंत वोटिंग हेबो। ए संपर्क में सीधा सड़क जीवा सेठारे उपस्थित अछंती आम प्रतिनिधि जगबंधु जगबंधु जदि आम देखा रामनगर धामनगर उपनिर्वाचन पर जिला प्रशासन पक्ष प्रस्तुति चूड़ांत रही प्रस्तुति आपड़ कि देखुं सेठाकर माहौल किपरि रही निश्चित आम बर्तमान अच्छे भद्रक जिलापाल कार्यालय आप निश्चित भाव देखी पार्थे बर्तमान जो पुलिस पार्टी मैंने विभिन्न बूथ को जाऊँ से जो प्रस्तुति पूर्व सरी प्रशिक्षण दिया तो प्रशिक्षण अनुजाई बर्तमान पुलिंग पार्टी मैंने संपूर्ण भाव रेडी सारे निज गंतव्य स्थल को जी सहित रोचे प्रिजाइडिंग अफिसर तीन जन पुलिंग अफिसर और जो पुलिस पर्सन रोचे जो आवश्यक रही है ईवीएम मशीन कहतु बा जो काली कहतु प्रति आवश्यक जिनस दिखाई बर्तमान प्रस्तुत ब्लक संपूर्ण निर्वाचन मंडल महिला मतदाता मतदाता मैंने कल मतदान करेंगे प्रशिक्षण सरकारी स्तर में जहां उत्तेजना प्रबल रही अति उत्तेजना प्रबल देखी पार जगबंधु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा कि अबाध निरपेक्ष शांति श्रृंखला किभली उपनिर्वाचन हेबो ताकु केते गुरुत्व दिया जाय छी प्रशासन केते सजग रही छी सेठारे निश्चित भाव से संपर्क में जिलापाल सहित का आलोचना कर सका से संपर्क आलोचना कर जो रही अति उत्तेजना प्रबल बूथ जो 50 वेब प्रैक्टिस जो रही केते गुड़े बूथ पाखे पुलिस स्टार्टिंग पॉइंट करा जो भी स्टार्टिंग रोचे पुलिस कर्मचारी मैंने मोबाइल भैन करा मोबाइल भैन मध्यम से तुरंत कौन अप्रीतिकर परिस्थित शुणा को मिलने से पहुंचे से पुलिस तरफ व्यापक प्रस्तुत कराई आम जो कह पुलिस तरफ रखा चार कंपानी और 50 प्लाटून पोस्ट तेरे मोबिलाइज करेंगे और कमिटी शांति श्रृंखल में मतदान करती ध्यान देवे से सेक्टर अफिसर नियोजित होती 6 जोन 6 मजिस्ट्रेट नियोजित होती जो सेक्टर 30 सेक्टर अफिसर अच्छे जैसे विभिन्न बूथ को जा तदारख करेंगे जो कौन सी अप्रीतिकर घटना हुए किंवा कौन से सूचना आसे तेज संगे संगे से जिलापा को जल्दे उपरिस्त कर्मचारी जल्द उपरिस्त कर्मचारी जनवा पर जहां आवश्यक पड़े जब अधिक पुलिस मुतयन आवश्यकता पड़े तेज पुलिस को रिजर्व रखा जाए विभिन्न थाना जो रही धामनगर थाना धूसरी थाना तीड थाना तीड तीनोट थाना रही निर्वाचन मंडल में प्रस्तुति चूड़ांत प्रकार आम कह जगबंधु आम देखी पार्छ कि प्रस्तुति चली से कि सब गुरुत्वपूर्ण कथा कि वृद्ध जो रही दिव्यांग रही महिला किभली व्यवस्था कर स्थान रही
ମତଦାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ ବା ଦେହ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିକ୍ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6 ସ୍ପିକ୍ ବୁଥ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ମତଦାନ କରିବେ, ମହିଳା ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମହିଳା ପୁଲିଂ ଅଫିସର ରହିବେ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସମୟ ଆଜି ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିର ମତଦାନ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ଆସିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ପଶିପାରିବେନି ବା କୌଣସି ସେମିତି ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରୂପଣୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲି ସକାଳ 7 ଅପେକ୍ଷା ଭୋଟ ଦେବେ ଆସିକି ସେଠାକାର ଧାମନଗର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।